तो अमाइन से स्टार्ट करना। देखो भाई, अब तक आपके मेजर जितने भी ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो प्लस टू में आने हैं यहाँ के बाद, वो मैं करवा चुका हूँ। लास्ट बचा हुआ है अमाइंस। अमाइंस का नोमेनक्लेचर कैसे करना, जरा देख लो यहाँ पर। देखो अमाइंस का इथर के लास्ट में क्या रहता है, इथोक्सी मिथोक्सी वगैरह आता है इथर में, ठीक है। अब देखो अमाइन, अमाइन में क्या होगा, जस्ट कैसे नाम देखो ऐसे आएगा। मान लो इसका क्या सिंबल होता है, NH2 कुछ भी ऐसे ऐसे एन से होगा, एन जीरो होगा उसमें। जैसे ये रहा CH3CH2NH2, इसका नेम अगर बनाना होगा, सुनो देखो भाई, 1 2, टू कार्बन की चेन हो गई, इसको बोलेंगे हम ईथ। सिंगल बॉन्ड है एन, इथेन, और NH2 के लिए लगता है अमाइन, इसका नाम हो गया इथेन अमाइन। नोट कर लो फटाफट नोटबुक में भाई, इथेन अमाइन विद डेट, देर शुड बी वर्क इन द नोटबुक। हाँ, सो फटाफट देख लो भाई, चेक करो, एक तो नेम ही हो गया। ऐसे ही ये CH3 CH2 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 NH2। अब देखो भाई इसका नेम देख लो फटाफट, 1 2 3 4, फोर ब्यूटेन अमाइन, फोर कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, NH2 के लिए अमाइन, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन अमाइन। ठीक है, अब देखो जल्दी करो फटाफट, ये नोटबुक कर उसको अपने नोटबुक में। अब देखो आपके पास और भी एग्जांपल कर सकते हैं हम, जरा इसको थोड़ा यहाँ थोड़ा ध्यान देना, देखो भी कैसे करेंगे। मान लो ये है CH3 CH2 CH2 NH CH3। अभी कैसे आया पहले समझना। देखो ऐसा नहीं कि खाली हमें नोमेनक्लेचर ही करना है, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना भी है। पहली बात तो ये कैसे बना था, फिर ये यहाँ पर दो एच थे, यहाँ एक एच क्यों रह गया, पहले ये समझ लेना, इसके बाद हम आगे चलेंगे। देखो हुआ क्या था एक्चुअल में, इन रियलिटी में ना, जैसे मान लो ये था इथेन CH3 CH3, ये इथेन हो गया, इसके साथ अपने लगाया अमोनिया। एक्चुअल में अमाइंस बनता है जब अमोनिया इसके साथ जुड़ जाएगी, फिर क्या होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो CH3 CH3, और यहां पर अमोनिया को ऐसे लिख सकते हो NH3 NH3। क्या हुआ, इधर से एक एच रिप्लेस हुआ और इधर से एक एच गया, और ये NH2 यहां जुड़ गया, NH2 मींस एक एच बाहर गया, कार्बन से वैलेंसी क्रिएट हुई, एक एच बाहर गया, अमोनिया से एक वैलेंसी वहां क्रिएट हुई, और दोनों आपस में जुड़ गए, तो क्या बन गया CH3 CH2 NH2। नो देखो, एक इलेक्ट्रॉन दिया इसने, एक इसने, सिंगल बॉन्ड आएगा, सिंगल सिंगल वैलेंसी क्रिएट हुई थी ना। अब देखो फिर क्या हुआ, जरा समझना, अगर मान लो ये था जिसमें इसको ले रहा हूं CH3 CH2 CH2, अब NH2 था देखो यहां पर ये, फिर एक और CH, देखो भाई यहां पर CH4 आ गया, CH4 का मतलब क्या होता है CH4, तो क्या हुआ, यहां से एक एच बाहर गया, एक एच बाहर यहां से गया, और ये जुड़ गया, इसीलिए यहां पर एक एच आया तो CH3 आ गया। अगर यहां से मैं एक और एच को बाहर निकाल दूं, तो फिर एक चेन और जोड़ सकता हूं मैं, जो मर्जी, CH3 C2H5, जैसे मान लो जोड़ दी मैंने यहां पर CH2 CH3, इस तरीके से। और नाइट्रोजन के केवल तीन ही बॉन्ड बन सकते हैं, रखना याद, तीनों बन गई, एक इससे बना, एक इससे बना, एक इससे बना, ये। अब मैं पहले आ रहा हूं इसके नोमेनक्लेचर पर, दोबारा कर लेते हैं, इसका नोमेनक्लेचर ये रहा CH3 CH2 CH2 NH CH3। बताओ भाई इसका नेम क्या होना चाहिए फटाफट, सर,
देखो भाई इसका नाम थोड़ा अलग आएगा, यहाँ आप एक रूल ब्रेक कर रहे हो। अगर आप इसको बोलते हो ब्यूटेन, ये ब्यूटेन बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था, देखो इसको थोड़ा और ओपन कर देता हूँ। NH को अगर लिखेंगे ना बॉन्ड की फॉर्म में, तो इस कार्बन का बॉन्ड इस N के साथ, इसका इसके साथ और इस H का N के साथ में। अब देखो भाई हमें चाहिए होती है कंटिन्यूस कार्बन चेन, 1 2 3, बीच में तो N आ गया, ये चेन कंटिन्यूस तो नहीं है ना। इसका मतलब मेन चेन तो खाली ये है, ये क्या है साइड चेन। देखो कंटिन्यूटी वाली चेन पकड़ते हैं ना, है ना कि एक कार्बन यहाँ एक उठा कर लिख देंगे, आप नहीं लिख सकते। बीच में N आ गया है, ये चेन कंटिन्यूस नहीं थी तो ब्यूटेन तो बिल्कुल नहीं है। अब सुनो ये CH3 किसके, अब ये क्या है साइड चेन, इट इज सब्स्टिट्यूएंट, साइड चेन है ये, और किसके साथ जुड़ा है N के साथ, तो यहां पर इसका नाम आएगा N मिथाइल। ये साइड चेन को लिखोगे आप N मिथाइल। अब इसके बाद 1 2 3 प्रोपेनामाइन, N मिथाइल प्रोपेन अमाइन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब आप कहोगे कि ये हमने आज तक कहीं नहीं लिखा था N, क्यों लिखा? उसका रीजन ये है, मैं इसको एक और तरीके से बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। अब देखो अगर, अब देखो ये वाला मिथाइल कहां पर है, 1 2 3 4, ये वाला 2 पर है, इसको हम 2 लिखेंगे। अगर मान लो मैं इसको 1 लिख दूं, वन बनता नहीं, N पे लगा हुआ है ये, इससे पता, देखो ये साइड चेन ये भी है, मेन चेन कौन सी है ये वाली, मेन चेन कौन सी है ये क्या है साइड चेन, ये भी क्या है साइड चेन। तो अब ये क्या है N मिथाइल और ये कौन सा है 2 मिथाइल, तो नाम क्या N कोमा 2 या फिर N मिथाइल, इसको बोलेंगे हम N मिथाइल, उसके बाद ब्यूटेन 2 मिथाइल ब्यूटेनामाइन, 2 मिथाइल ब्यूटेनामाइन मींस ब्यूटेन के ऊपर ये 1 2 3 4, इस ब्यूटेन के ऊपर 2 पर क्या है मिथाइल, तो इसका नाम क्या आएगा भाई N मिथाइल, वो तो आ ही गया जो N पर है N मिथाइल, उसके बाद 2 मिथाइल ब्यूटेन अमाइन, लिख लो भाई इसका नाम ये वाला, दोनों कर लो, इसका नाम ये होगा N मिथाइल प्रोपेनामाइन, इसका नाम N मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेनामाइन, ठीक है। अब देखो इसी के साथ हम नोमेनक्लेचर यहां पर इस तरीके से कर सकते हैं, CH3 CH2 CH2N CH3N CH2 CH3। अब देखो भाई इसका नेम क्या हो सकता है, सी हेयर, तो देखो भाई इसका नेम जरा यहां सी देखो भाई कैसे होगा, ये N पर देखो ये 1 2 3, ये 3 कार्बन की चेन है, यहां 2 है ये 1 है, तो ये मेन कार्बन चेन होगी, ये तो आपका प्रोपेन अमाइन बन गया, 3 कार्बन की चेन N के साथ प्रोपेन अमाइन, N आ गया अमाइन बन गया। अब इस N पर ये भी साइड चेन और ये भी साइड चेन, दो साइड चेन है, एक का नाम है N, देखो E पहले आएगा तो N इथाइल कोमा N मिथाइल, दोनों साइड चेन, अब उसके बाद प्रोपेन अमाइन, ये इसका नेम आ जाएगा प्रोपेन अमाइन। और लास्ट में ले रहा हूं बस, अगर जैसे ये होता CH3 CH2 N CH3 CH3, अब देखो इसका नाम होता N कोमा N डाइमिथाइल, कि दोनों मिथाइल किस पर, N पर, N कोमा N, N पर ही है, N कोमा N डाइमिथाइल इथेनामाइन, तो इसका नाम आएगा N कोमा N डाइमिथाइल इथेनामाइन, 2 कार्बन चेन के लिए इथेन और N के लिए अमाइन, इथेन अमाइन, ये इसका नेम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखो भाई ये तो हो गया इसका आपका एलिफेटिक अमाइंस का नोमेनक्लेचर, ठीक। अब इसका बस बिल्कुल लास्ट पार्ट रह गया है एरोमेटिक, 2-4 ही हैं एरोमेटिक करेंगे।
तो सी हेयर, देखो भाई बेंजीन के ऊपर अगर एन एच टू लगे तो ये देखो बेंजीन पर अगर एन एच टू है, इसको दो तरीके से बोलते हैं, या तो एनिलीन या बेंजामाइन। ऑल्दो एनिलीन इज मोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड, एनिलीन इसको एनिलीन बोलते हैं, रखो याद एनिलीन, ठीक, और बेंजामाइन, बेंजामाइन और एनिलीन। अच्छा इनको नोट करते रहो नोटबुक पर, देखो भाई ये बहुत ही कॉमन है। अच्छा देखो भाई अगर मैं यहां देखूं ये एनिलीन है, अब दोबारा से अगर मैंने यहां पर ये लगाया CH2NH2 तो इसका नेम क्या होगा, तो ये एनिलीन नहीं है। क्यों? क्योंकि एनिलीन तब होता है लाइक फिनोल, बट वाज फिनोल, देखो ये था फिनोल, इतना प्रैक्टिस करें उतना आएगा। फिनोल का मतलब होता है जब बेंजीन के साथ में डायरेक्टली OH हो, ये फिनोल है। ऐसे ही एनिलीन तब होगा जब NH2 जुड़ा है डायरेक्टली बेंजीन के साथ में, यहां पर NH2 बेंजीन के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा, इसको एनिलीन नहीं बोलेंगे। तो इसका नेम क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी इट्स नेम? ओनली वन कार्बन है, नो एन कहीं है ही नहीं यहां पर, इथाइल कैसे हो जाएगा, वन कार्बन है यहाँ तो, नो ये मेन चेन है क्योंकि इसके पास NH2 है, ये साइड चेन है और साइड चेन बेंजीन को क्या बोलते हैं, फिनाइल, इसका नाम आएगा वन फिनाइल मिथेनामाइन, लिख लो भाई। क्योंकि देखो ये मेन चेन है, ये क्या NH2 CH2 मिथेनामाइन, बट इसके फर्स्ट पर क्या है, फिनाइल, इसका नाम आएगा वन फिनाइल, कि फर्स्ट कार्बन पर फिनाइल लगा हुआ है बेंजीन रिंग, वन फिनाइल मिथेन अमाइन, ये इसका नेम होगा, ठीक है। साइड मैंने बता चुका हूं पहले भी, जब भी बेंजीन रिंग साइड में होगी उसे हम क्या बोलेंगे, फिनाइल, दैट शुड बी नोन एज फिनाइल, ठीक हो गया। तो चलो भाई देखो आप सुनो, मैंने यहाँ पर आपको नॉर्मल से सभी के सभी जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे वो करवा दिए। अब मैं एक यहाँ पर आपको लिखवा रहा हूँ, ये सबकी नोटबुक में होने चाहिए। मैं यहाँ पर आपको ना जितने भी कॉमनली यूज होने वाले नेम है, कॉमन नेम, IPC नहीं, देखो IPC तो रूल से होते हैं, उसमें कोई जरूरत नहीं करने की, जो यूजली आपके मिस, तो क्या हुआ है कि ना कुछ कंपाउंड के नेम ऐसे हो गए कि IUPC आने के बावजूद उनको हम कॉमन नेम में ही यूज करते रहे साइंटिस्ट भी, और वो इतने हैबिचुअल हैं कि वो उसका IUPC नेम बोलते ही नहीं है, डायरेक्टली क्या बोलते हैं, कॉमन नेम। तो वो इन द सब्जेक्ट मीन्स सिलेबस में भी कॉमन नेम से ही होते हैं यूज। सबसे पहले देखो भाई लिखते रहना इसको, अगर बेंजीन के ऊपर केवल CH3 लगा हो, इसको वैसे बोलेंगे मिथाइल बेंजीन, लेकिन टोलीन है कॉमन नेम, है इसका नेम मिथाइल बेंजीन, बट इसको हम कॉमन नेम टोलीन, TOULENE टोलीन बोल देते हैं, ठीक। ऐसे ही इस बेंजीन रिंग के साथ में अगर डायरेक्टली OH जुड़ा हो, अभी बताया मैंने आपको, इसको फिनोल बोलते हैं, फिनोल, ठीक। ऐसे ही इस बेंजीन के साथ में बिल्कुल डायरेक्टली CHO जुड़ा हो, एल्डिहाइड, इसको बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक। अच्छा बेंजीन के ऊपर अगर COOH लगा हो, इसे बेंजोइक एसिड बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, ठीक। अच्छा ऐसे ही बेंजीन पर डायरेक्टली CH3 लगा हो, इसको एसिटोफिनोन बोलते हैं, एसिटोफिनोन, PHENONE, एसिटोफिनोन COCH3। ऐसे ही आपके पास ये चेन है,
इसके ऊपर लगा है एन एच टू, अभी किया था, क्या नहीं होगा इसका एनिलीन, इसको हम एनिलीन बोलेंगे। और ये बताना जरा, पहले करवा चुका हूं मैं इथर वाले में, बेंजीन के ऊपर ओ सी एच थ्री लगा हो क्या बोलते हैं, एनिसोल, ए एन आई एस ओ एल ई, एनिसोल, ठीक है। तो ये कुछ एक बहुत कॉमन से यूज होने वाले कॉमन नेम हैं, ये ऐसे ही बोले जाते हैं, इनको नहीं बोलते आईपीसी के फॉर्म में, इन द सिलेबस ऑल्सो प्लस टू के सिलेबस में ये ऐसे ही यूज होंगे, तो आपको ये आने चाहिए, जितना हो सके अपना प्लस टू का सिलेबस मैक्सिमम फॉर्म में यहां पर कर लो, ठीक। चलो आज मैं इस वीडियो को कंप्लीटली नोमेनक्लेचर की टोटल रिवीजन के साथ खत्म कर देता हूं, जहां छोटे मोटे डाउट थे वो भी खत्म हो जाएं, आज यही काम करूंगा मैं अब, और अपना मैक्सिमम जितना हो सके आप इसको आप नोट करते रहना, क्योंकि देखो एनिसोल बोलते हैं इसको, ऑल्दो इसका नाम मिथोक्सी बेंजीन भी होगा, बट कॉमन नेम एनिसोल, ए एन आई एस ओ एल ई, एनिसोल। नाउ सुनो भाई, अब मैं फटाफट एक बार क्विक रिव्यू लेते हुए पूरे नोमेनक्लेचर जो मैंने करवाया है अभी तक, तीन चार वीडियो जो भी बने हैं हमारे, पांच बने होंगे, उन सबको फटाफट ले लेता हूं। देखो भाई, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन वो होगा इसमें क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड, जिनका फॉर्मूला होगा सी एन एच टू एन प्लस टू, जैसे कि आपके पास ये रहा सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री, कितने कार्बन है थ्री, कितने हाइड्रोजन है एट, जितने कार्बन थे हाइड्रोजन सी एन एच टू एन प्लस टू, जितने कार्बन हाइड्रोजन डबल से टू ज्यादा, ठीक है, इतना हमने कर लिया था, ठीक बताओगे समझ को। अब एल्कीन क्या होगा, एल्कीन वो जिसके पास डबल बॉन्ड हो, जैसे सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एच टू, इसका फॉर्मूला होता है हाँ सी एन एच टू एन, जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, जैसे, और यहाँ इसके लिए एन वर्ड यूज होगा, इसके लिए इन, ठीक। अगर ट्रिपल बॉन्ड है सी एच थ्री सी एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये है अल्काइन, इसका फॉर्मूला क्या होता है सी एन एच टू एन माइनस टू, जितने कार्बन उसके डबल से टू कम हाइड्रोजन। आइन, इसमें लास्ट में वाई एन ई, आइन यूज होता है, ठीक। अब देखो मैं एक आपको देता हूं, यहां पर हमारा जो फर्स्ट रूल था नोमेनक्लेचर को पता लगाने वाला, आपको सबसे मेन काम क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन को प्रेफर करना। अब देखो भाई, अगर साइड चेन ना हो फिर तो कोई मुश्किल है ही नहीं, जो चेन है वो लॉन्गेस्ट ही होगी, वो एग्जांपल नहीं लूंगा मैं, अब वो लेने वाला हूं जिसमें एक साइड चेन भी हो, और उसमें उस वाली कंडीशन में आपको लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना हो। अब क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, अब मैं थोड़ा ऐसा एग्जाम्पल लूंगा, अभी मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप को, ओनली सब्स्टिट्यूएंट्स, एक थोड़ी सी टिपिकल सी चेन लूंगा, देखता हूं बच्चे उसको कितना करते हैं। फटाफट बताओ भाई, ये C2H5 ही है, ये भी C2H5, C2H5, C2H5। आपने यहां पर बताना है कि इसका नेम क्या होगा, सोचो जरा। सी, यहाँ थोड़ा सा जहाँ आप लोग ट्रैप होने वाले हो, एक्चुअल में वही जो चाहता है एग्जामिनर वही ट्रैप हो जाओगे। यूजली इसे यहाँ मैक्सिमम बच्चे जो है ना, इसे फोर या फाइव कार्बन चेन तक लिमिट करते हैं, बट इसके अंदर सिक्स कार्बन की मेन चेन है। कैसे, आप देखते हैं, देखो भाई पहले इसको ओपन करो, सी एच थ्री सी, इसको ओपन करो सी एच टू सी एच थ्री, इसको भी ओपन कर लो सी एच टू सी एच थ्री, यहाँ पर सी, इसको भी सी एच टू सी एच थ्री, और इसको भी सी एच टू सी एच थ्री। अब देखो वन टू
थ्री फोर फाइव सिक्स, ये आपके पास ये है लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स कार्बन। अच्छा यहाँ लगाया है, इसको भी लगा लो, बात तब भी वही आएगी, ये सिक्स कार्बन की ही लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जाएगी। अब देखो नंबरिंग कहीं से कर लो, बात दोनों तरफ से बराबर जाएगी, ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन, कैसे साइड बाई साइड बन जाएंगे, इसको वापस लेकर यहाँ पर लेकर आओगे आप इसमें, ये लो भाई ये और ये क्या हो गई साइड चेन। अब देखो इसका नाम क्या आएगा, लिख लेना आप, थ्री फोर डाइमिथाइल, पहले इथाइल लिखो भाई, कहां पर है, थ्री फोर डाइथाइल, थ्री फोर डाइमिथाइल सिक्स कार्बन के लिए हेक्सेन, तो इसका नाम आएगा थ्री कोमा फोर डाइथाइल, अगेन कोमा, थ्री कोमा फोर डाइमिथाइल हेक्सेन, ये इसका नेम होता है। तो इस बात का जरा ध्यान रखना था आपको, ठीक। तो हमारा ये पहला रूल था, आपको किसी भी तरीके से लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन लेनी थी, वो हमने यहां पर सिलेक्ट की, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये तो सिंपल से रूल हो गया, अगर हमारे पास कोई नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है उसमें एक तो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है और एक मल्टीपल बॉन्ड है, तो हम किसे प्रेफरेंस देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को या मल्टीपल बॉन्ड को? यस, मल्टीपल बॉन्ड विल गेट द प्रेफरेंस ओवर द सब्स्टिट्यूएंट। जैसे एग्जांपल सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री, ठीक है। ऑल दो यहां इसको गलत हो जाएगा, मुझे एक काम करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं मैं, सी एच थ्री सी एच थ्री। नाउ सी, अगर मैं यहां से चेन स्टार्ट करता हूं तो ये जो साइड चेन है टू पर आएगी, वन टू थ्री फोर, डबल बॉन्ड फोर पर आएगा। मैं यहां से करता हूं वन टू थ्री, डबल बॉन्ड थ्री पर आ रहा है, और ये वन टू थ्री फोर फाइव, और ये साइड चेन सिक्स पर आ रही है, नो प्रॉब्लम। आपको कम से कम नंबर देना है मल्टीपल बॉन्ड को, मीन साइड चेन के ऊपर मल्टीपल बॉन्ड प्रेफरेंस लेगा, तो इसका मतलब आपके पास डायरेक्शन जो है वो नंबरिंग की ये रहेगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सिक्स मिथाइल, सिक्स मिथाइल फोर थ्री है, सेवन के लिए क्या आएगा बस हेप्ट, थ्री इन फोर सिक्स मिथाइल हेप्ट थ्री इन, ये इसका नेम होगा, हर बच्चा अपना इसको नोट कर ले, ठीक है। अच्छा अब देखो भाई सिक्स इसका नेम होगा, देखो भाई सिक्स मिथाइल, पहले हम साइड चेन का नेम ही लिखते हैं, सिक्स मिथाइल देन सेवन कार्बन है हेप्ट, थर्ड पर डबल बॉन्ड है इन, तो हेप्ट थ्री इन, सिक्स मिथाइल हेप्ट थ्री इन, ये इसका नेम हो गया, ठीक। अच्छा भाई अब देखो थोड़ा सा मैं और आ जाता हूँ कुछ चीज़ों के ऊपर जो आपको एक्चुअल में बुक में मिलेंगी, फिर आप कहोगे समझाया कुछ और था और बुक में क्या लिखा हुआ है। देखो ठीक है ये आपका बेस हो चुका है, बट साइंटिस्ट को मान लो कोई चेन मिल जाए ऐसे वाली, ये चेन है और उसको ऐसे लिखनी पड़े, वो ऐसा नहीं लिखेगा, बिल्कुल नहीं लिखेगा, क्यों, क्योंकि वो साइंटिस्ट है, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वो समझदार है, इसलिए वो टाइम बचाएगा, वो टाइम कैसे बचाएगा, वो उसको ऐसे लिखेगा सी एस थ्री, इसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव सी एस टू है ना, इसको टाइम्स फाइव कर करके ऐसे लिख देगा, ऐसे लिख देगा। इसका मतलब क्या है, आपके पास सी एस टू कितने टाइम है, फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, इसका नेम क्या हो गया, फाइव एंड टू सेवन, इसका नेम भी हेप्टेन है, इसका नेम भी हेप्टेन है। अगर ऐसा दिया हुआ आया आप इसको ओपन कर सकते हो, ओपन करके लिखो आप, ठीक है। अब मैं एक को देखता हूं, ये आपको समझा दिया मैंने, इसके इन्फ्लुएंस, इसके अगर आप इससे अटैच करोगे दूसरे वाले पार्ट को गड़बड़ हो सकती है, बट मैं दे रहा हूं यहां पर सिंपल। अब मैं देखो नॉमेनक्लेचर खत्म हो चुका है, वो शॉर्ट में मैंने ले लिया, अब मैं करवा रहा हूं कैसे कैसे मॉडिफिकेशन हो सकती है जो आपको दिया हुआ है फॉर्मूला शॉर्ट में, खासकर अब मैं शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूं। अगर ये दिया हो मान लो सी एस थ्री सी
CH3 all twice CH2 CH3। तो आपके पास 2 मिनट्स हैं, आप फाइंड करो कि इसका नेम क्या होना चाहिए। देखो इसका नेम, पहली बात देखो ये थोड़ा देखो यहाँ अलग है, मेरी बात सुनना, यहाँ CH3 है, यहाँ केवल C दिया हुआ है। अब पता है जो कार्बन बीच में है इसका एक बॉन्ड तो इस कार्बन से बना हुआ है, एक बॉन्ड इससे, इसके पास 2H होने चाहिए थे, उन 2H को रिप्लेस करके क्या आ गया CH3। इसको आप ओपन करो स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर ये बनेगी CH3 C, ऊपर भी CH3 नीचे भी CH3। इस तरीके से 1 2 3 फोर्थ कार्बन ऐसे जुड़ गया CH2 देन CH3। इस तरीके से ये होगा आपके फुल स्ट्रक्चर, ऐसे दी होगी आपको कई बार तो करना पड़ेगा। इसका नाम देखो क्या आ गया 2,2-dimethylbutane, 2,2-dimethylbutane कर लो उसको अपने नोटबुक में। अब मैं एक और करवाता हूँ थोड़ा सा, हाँ देखो करते रहेंगे। अच्छा एक और देख लो, जैसे मान लो ये हो सकता था CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। क्या लगता है आपको इसका नेम होना चाहिए या इसमें कोई प्रॉब्लम है वो भी चेक कर लो। सी इसको आपको देखो भाई CH3 कभी बीच में नहीं आता, ये कैसे शो किया हुआ था, ये शो ऐसे किया हुआ है CH3 फिर CH, इसके साथ CH3 को नीचे लगाओ आप इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए, CH2 नहीं CH है यहाँ, दोबारा फिर एक CH आ गया उसके साथ CH3 है, ऐसे लगा दो और फिर एक CH3। इसका नेम देखो 1 2 3 4 2,3-dimethylbutane, इसका नाम आ जाएगा 2,3-dimethylbutane। तो इस तरीके से आपको ये करना होगा, ठीक है। अब बस although nomenclature हमारा पूरा हो चुका है, अब हम nomenclature वाले पार्ट से बाहर निकल चुके हैं। मैं बता ये रहा हूं कि कैसे अलग अलग टाइप में आपको फॉर्मूले दिए हो सकते हैं। इस एक और रह गया इसका छोटा सा पार्ट, वो कल करेंगे, इसमें और तरीके से भी शो कर सकते हैं, ठीक। तो उसके बाद कल हम डिस्कस करते हैं।